मेरा जिंदगी खराब करके दूसरा औरत को ला के घर में रखे या कि हम बर्दाश्त कर सकते हैं, बताइए आप। आयोग में कहीं गई है महिला संस्था? महिला हेल्पलाइन में भी गए, वहाँ से भी मेरा कोई सहयोग नहीं। झगड़ा होता है हम लोगों से और सौतीन से, ससुर से, सास से, तो तुरंत थाना वाला आके हम लोग को दबाव देने। नमस्कार, गंगा न्यूज में स्वागत है। देख सकते हैं यहाँ पे महिला है, दो बच्चे हैं। इन इन महिला के पांच बच्चे हैं, चार लड़का है और एक लड़की है, और इनका पति इनको छोड़ दिया है। कल गए यहाँ तो इनको मार पीट कर करके भगाया भी गया। मैं सारे मैटर पर बात करूंगा, क्योंकि आए दिन ऐसा ऐसा कहानी हो रहा है। इनके पति दूसरा शादी भी कर लिया है। सारे मैटर को मैं आपके सामने रखूंगा, अपना राय देते रहिएगा। अच्छा ये बताइए क्या मैटर हुआ है? मैटर यही है जो जब हम काम करके खाते हैं फिर भी हमारे बच्चे लोग को तकलीफ देता है, गांव समाज सब मिलके मारने के लिए दौड़ता है, कहता है तुम कैसे रह लेगा यहाँ, देखते हैं। अब बच्चा लोग को आते हैं शाम को, बूढ़ा बूढ़ी से झगड़ा होने लगता है और बुला के लिए आता है जो इसको मेरा घर खाली करो, अब भी करो। तो हम बोले कि क्यों पैदा किया था बाल बच्चा को जो तुम्हारे पास है, हम खाली नहीं करेंगे, देखते हैं क्या। कितना बच्चा है अभी? पांच बच्चा है, चार लड़का और एक लड़की। चार लड़का एक लड़की। क्या आपके पति दूसरा शादी भी कर चुके हैं? जी दूसरा शादी कर लिया, उसका तीन बच्चा भी है। हाँ। दो लड़का एक लड़की। तो आप कब गए थे अपने घर पे? कल शाम को। तो क्या बोला उन्होंने, क्या बोला, कौन कौन थे? तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है, गाली का सबसे कहता है, जहाँ रहता है वहाँ तुम चले जाओ। अच्छा ऐसा क्यों करते हैं? सब तो अपने बीबी बच्चे से प्रेम करते हैं, तो आपके साथ ऐसा? बस हमसे हमेशा जब से शादी करके लाए हमेशा टॉर्चर ही करते हैं, मारते पीटते हैं। जब हम नहीं सहे हैं तब घर छोड़ दिए हम, बराबर मारना पीटना सभी पूरे परिवार मिलके। तो क्या सबूत कुछ है आपके पास? सबूत मेरे पास है जो मेरा दांत तोड़ के रख दिया कपार, पूरा तोड़ के रख दिया, कपार फाड़ के रख दिया, जो हाल फिलहाल में हम 25,000 रुपया लगा के तो इलाज करवाए हैं। अच्छा कुछ मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी किए थे आप? जी हम रिकॉर्डिंग किए हैं। ये रिकॉर्डिंग के लिए वार्ड भी हमें बच्चा को, मेरा बच्चा को शाम को बोला जो एक बार मारेंगे तो जगह पर चीत हो जाएगा। मुखिया भी बोला जो तुम लोग को मन बढ़ा हुआ है, तो हम बोले कि हम लिखित देंगे कहीं भी इसका कोई काम नहीं होगा। तो हमने उनको जवाब दिए जो हमारे लिए इतना दिन से कहाँ गए थे, मुखिया और वार्ड चाहे सरपंच कहाँ गए थे, हमें भी तो लिखित चाहिए, हमारे लिए कोई नहीं था, मेरा भी तो छोटा बच्चा था, उसका तो हम ठिकाने ही लिए हुए हैं, मेरा छोटा बच्चा है। चले दिखाइए कैमरा पर, दिखा दीजिए। अब उ दोनों फड़ियाते और ये फड़ियाते। हाँ। जैसे ऐसे रखता था तेरा मुंह बांधे कर मुंह तो ऐसे हमरा कोई गाली देते थे बड़ा में कुछ तो कीजिए बड़ा में खत्म हम नहीं सुनो ना हमर बिजली बिल ये दोनों जरा मार दे मार दे हम थारा हम मार देते हां तो जीतो पूरा ना मारे चले तो जीतो ही मार दे जीतो मार दे हां मार दे जीतो तो हमो मारबो मार के दिखा लोग समझ गए होंगे ये कल का वीडियो है, इनके साथ मारपीट किया गया। जी सर क्या कुछ नहीं सुन रहा है, जाते हैं तो कहते हैं जो तुम उसके पीछे क्यों रहता है, 2 रुपया कमाओ और अपना खाओ। आज जब उसको तकलीफ होता है जो थाना वाला आता है और बच्चे लोग को मारता उठा के ले जाता है, बस हम घर में बैठ के रोने लगते हैं। उसको मतलब कहते हैं जो थोड़ा मेरा बच्चा को छुड़ा के ला दीजिए, तो कैसे कैसे कर्जा गुआम करके लेके तब थप्पड़ भी उठाने का कोशिश किया है वो लोग, हम पर पूरा भीड़ चुका है। हम टाइट से खड़ा थे तब बोल रहा है कि एकदम टाइट से खड़ा है, तनी तनी मतलब जुआन अभी खड़े हुआ है पैदा लेके, ऐसे ऐसे बोल रहा था हमारे। कौन बोल रहा था? आपके पिताजी बोल रहे थे? नहीं वार्ड। तो वार्ड क्यों बोल रहा है? वार्ड तो एक समाज का सेवक है, उस जायज ना जायज उसको देखना। तो वो ये नहीं देख रहा था। क्या क्या कहाँ का वार्ड है, अपना एड्रेस बताइए। धर्मपुर राम राय पोस्ट ममरेजपुर थाना देसरी चांदपुरा ओपी। थाना में गए हैं आप लोग? जी थाना में तो 498 से मेरा केस चल रहा है, कोर्ट से लेके थाना तो कोई सुनवाई नहीं है। वार्ड का 15 है, वार्ड का नाम छोटू राय है वार्ड का नाम, वो भी धमका रहा है, बताइए।
तो पति आपके क्यों मतलब कि छोड़ दिए, क्यों शादी अलग मतलब दूसरा बीवी क्यों ला, दूसरा बीवी रहा अब तो उसका मम्मी का क्या रीजन है, उनका क्या रीजन है वो लोग जानेंगे। हमारे मेरे बच्चा 5 है तो हम बच्चे को लेके चलेंगे। जब बच्चे हमको छोड़ दिए, पति को छोड़ के रह सकते हैं लेकिन बच्चे को छोड़ के तो नहीं रह सकते है ना, तो बच्चे को लेके जब जिए तो हमको बहुत अनाप शनाप गाली देने लगा। हम गाली सहन नहीं करते थे, तो थाना पर जाते थे तो मेरा कोई एक्शन नहीं लेता, कोई थाना में एक्शन नहीं, बड़ा बाबू से लेके कोई एक्शन नहीं लेता। हम वहाँ से मजबूर होके चले जाते थे। फिर हमको कहते थे बड़ा बाबू इसे सब जो तुम इतना सनक रही हो, जो तुमको बस डंटा लगेगा सब ठंडा हो जाएगा, सारा प्रॉपर्टी बिक जाएगा। बताइए सर हम कैसे जिए, मेरा भी तो जिंदगी है, एक मेरा जिंदगी खराब करके दूसरा औरत को ला के घर में रखेगा कि हम बर्दाश्त कर सकते हैं, बताइए आप ही। तो आप ये बताइए कि क्या पहले आपसे तलाक हुआ है कि दूसरा शादी? जी नहीं, तलाक इतना बड़ा बड़ा बच्चा लेके हम तलाक देंगे? मेरे जमीन का बार बार धमकी देता है, मेरे बच्चे के लिए हम जमीन खरीद के रखा है, तो ये बच्चा कहाँ का है? हमको ससुर जी कहते हैं जो किस जात से पैदा करके लेके आए हो, तो हमने उन्हें कहा जब हम किस जात से है तो आपका औलादे ना लाया वो किसका है, हमने उनको कहे जो वो किसका है वही ना हमको लाए हैं जो आप इस तरह हमको गाली दे रहे हैं। चलिए देख सकते हैं इनको कोई मदद नहीं कर रहा है कोर्ट प्रशासन, इनका खास तौर से ये कहना है। आज में ऐसे ऐसे घटना रोज हो रहा है, तो ऐसे ऐसे पे जितने थानेदार हैं सभी लोग हैं वो इनको मदद करें। नोटिस का पता नहीं क्या हुआ, कोर्ट से मेरा पूरा निकल रहा है जो हाँ आपका नोटिस गया हुआ है, लेकिन थाना से निकल के आ नहीं रहा है। डेली हमको वकील कहता है जो उसको अरेस्ट क्यों नहीं करवाते हैं। माधोपुर गजपति स्कूल है उस जगह का मुखिया जी थे साधु राय, उन्होंने मेरा जान एक समय बचा दिए। आज उनका भतीजा मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है, आप लोग मतलब सनके हुए हैं, आप लोग मन बढ़े हुए हैं, समाज के अंदर रहने वाला नहीं है, समाज से आप बढ़े हुए। बताइए सर 30 साल शादी का हो गया, हम समाज से कैसे बड़े हैं? इंसान एक दिन कहता है, दो दिन करता है, 30 साल से कट रहे हैं, क्या हम इंसान हैं? बताइए है कि नहीं इंसान, हम जानवर तो नहीं जो हम सह लेंगे। अरेस्ट वारंट है तो क्या अरेस्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं कहते हैं, बल यहाँ वारंट कागज आया ही नहीं, किस सबूत से हम उसको गिरफ्तार करें? ठीक है, मतलब कोई सुनवाई नहीं ले रहा है। आज जब घर में झगड़ा होता है हम लोगों से, आओ सौतीन से, ससुर से, सास से, तो तुरंत थाना वाला आके हम लोग को दबाव देने लगता है, समझे? मतलब इतना दिन से सहते सहते घर में अपना अपना आपस में मारपीट होता था, कभी पेट्रोल उछल देता था, कभी मतलब कि राशन तेल उछल देता था, बहुत सह सह के तो सर हम आपके पास पहुंचे हैं। कौन सा थाना है आपका थाना? कौन चांदपुरा ओपी जी, पूरा एड्रेस कम से कम पूरा एड्रेस बताइएगा तब कोई समझेगा। हम लोग चांदपुरा ओपी थाना है, उसका मेन ब्रांच देसरी है, मेरा घर हुआ धर्मपुर रामराय पोस्ट मंबेजपुर थाना देसरी जिला वैशाली। चलिए देख सकते हैं पीड़िता है, इनका शादी दूसरा भी कर लिए, लेकिन हमारे हिंदू समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगातार ऐसे ऐसे घटना होते जा रहा है, तो इस पर सरकार को सबसे बड़ा एक्शन लेना होगा, तब जाके ऐसे ऐसे कांड रुकेंगे। रोज कोई ना कोई ऐसा घटना हो रहा, पीड़िता आ रहे हैं, लगातार न्यूज चल रहा है, और सबसे ज्यादा ये घटना बिहार में देखने को मिल रहा है। दरोगा इनकी बात नहीं सुन रहा है, थाने वाले नहीं सुन रहा है, सब कुछ इन्होंने FIR कर रखा है, सब कुछ कर रखा है, लेकिन इनका साफ तौर से कहना है कि दरोगा हमारे थाना हमारे मदद नहीं कर रहा, उन लोगों को मदद कर रहा, मुखिया वार्ड भी उन्हीं का मदद कर रहे हैं। आपके पति का क्या नाम? राम नरेश शर्मा। आपके ससुर को? राम देनी शर्मा। उनका घर कहाँ है? सर उसी धर्मपुर रामराय। चलिए और कुछ कहना चाहती हैं? सर कहना यही चाह रहे हैं, जो थाना वाला को जाके हम लोग कहते हैं तो थाना वाला कहता है जो तुम बच्चलन है तुम्हारा यहाँ वो जाती है तो उसका काम कर देते हैं, मेरा काम नहीं करते हैं। बताइए हम किस तरह घुट घुट के जी रहे हैं, और कहता है कि जब पैसा लाओ, बच्चे लोग को धो के हम मजदूर करते हैं, मजदूर करके बच्चे लोग को पालते हैं, तो कभी जाते हैं तो 5,000 मांगता है, कभी 4,000 मांगता है थाना पे लेके और छोड़ देता है। सोचते हैं कभी की फोटो खींचे और मीडिया पर दे तो हम लोग को फोटो नहीं, डंडा दिखाता है, कभी मारने का धमकी देता है, तो वहां से हम लोग चले आते हैं डर धमक के। जिला मतलब जिला प्रशासन का बात कागज दिए थे SP का पास ना, तो वहां से कागज मेरा चला आता है, कोर्ट से भी चला आता है, थाना पे दाब देता है मेरा। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, SP भी आपका नहीं केस देते हैं, कोर्ट भी कोई नहीं देखता है, तो आखिर गाली देते हैं जो तुम बच चलन हो इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है। 112 टोल फ्री नंबर पे कॉल करते हैं उन्होंने, मतलब आते हैं उन भी हमें धमकाते हैं, कहते हैं जो ऐसा क्यों करते हो, उसका छोटा छोटा बच्चा है, तो हम बोले
अति कर देंगे सीनियर सिटीजन में, और सीनियर सिटीजन गलती करे उसका कोई मतलब नहीं है। हम लोग को धमकाया जाता है कि तुम लोग गलती करो तो तुम लोग को पिटाई लगेगा, आज अगर सीनियर सिटीजन गलती करे तो कोई दिक्कत नहीं है। दादा दादी गलती कर, दादा दादी तो बच्चे से हम लोग को गाली, आसान का बात बता रहे, बिजली था, बिजली को हम बोले कि मेरा दादा का नाम पे है, हम अपना से लिए हुए, हम सौतेली माँ को नहीं जला देंगे, टोटल मेरा भाई आप जलाइए, मेरा दादी है दादी जलाए, उसके कारण 100 गाली दी है। हम बोले कि गाली मत दीजिए नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, इसके कारण विवाद बढ़ गया। और तो आप लोग महिला आयोग में कहीं गई है, महिला संस्था जी, महिला हेल्पलाइन में भी गए, वहां से भी मेरा कोई सहयोग नहीं मिला। तो ऐसा कैसे हो रहा है आपके साथ में, कोई सपोर्ट में नहीं आ रहा है? मेरे सपोर्ट में ही नहीं, मेरे पापा एक्सपायर कर गए, पापा जब तक जिंदा थे तब तक उन्होंने कुछ नहीं किया, 498 का केस किए हुए हैं, 94 में मेरा मैरिज हुआ था समझे, पापा जब तक जिंदा थे तब तक हम बहुत शांति थे, पापा मर गए उसके बाद हमको बहुत दिक्कत हुआ। चलिए देख सकते हैं, कोई इनका कहना कि कोई हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है, मुखिया अगर देख रहे हैं, थाने वाले देख रहे हैं, तो ऐसे ऐसे केस को आप लोग सोल्व कीजिए, ये लोग कहीं ना कहीं पीड़ित है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में यह है कि पहला शादी जो कर लिया आज तलाक होता है तभी जाके दूसरा शादी होता है, लेकिन इनका पति सबसे बड़ा गलती किया कि वो शादी बगैर तलाक का ही कर लिया, तो उनपे भी कहीं ना कहीं केस बनता है, होना चाहिए, थाने वाले को संज्ञान में लेना चाहिए। थाने से और समाज से भी, मुखिया और वार्ड वाले से भी कहना है कि आप लोग ऐसे ऐसे केस को थोड़ा देख करके सॉल्व कीजिए कि आखिर गलती किसकी है, ये ना कि एक आदमी को मुंह देख करके आप लोग पंचायत करें। अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा जी, जिसको देता है ना उसी के तरफ इंसाफ होता है, वहाँ का नियम है। मेरा धर्मपुर का क्या है, आपको 10 रुपया दे दिए तो 10 रुपया आपके तरफ बोल देगा, पीने खाने के लिए हो गया तो बस इतना ही बात है और कुछ नहीं। चलिए अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्या गलत है क्या सही है मैं नहीं जानता हूँ। मैं कैमरामैन सहयोगी के साथ संजय कुमार, पटना बिहार।